क्या बोलते हो अपना एक्सपेंसिव है, ये कर सकते हैं। और एक बनाना टाइप का एक शिप बना होता है, उस पर बहुत बड़ा है वैसे पैराशूट, मैं फ्लाई करूँगा। और जो ये बनते हैं तकरीबन समंदर के व्यू भी दिखा रहा हूँ। देख रहे हो कि हवा में उड़ता हुआ इंसान, पता चलूं कि जब ये एक्टिविटीज करते हैं ये। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वेलकम करता हूं अपने चैनल के नए व्लॉग में। और एज यूजुअल मेरे जो भी जितने भी दोस्त हैं नए देखने वाले, उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। और बहुत अच्छी अच्छी वीडियो और खूबसूरत वीडियो आपके लिए मैं बनाता रहता हूँ, ट्रैवल वीडियो। कैट का कॉरन बीच, तो वहाँ पर आया हूँ। बीच पर जो है ना, यहाँ पर एक यानी कि ह्यूमन फ्लाई जो होती है, पैराशूट जो लेकर जाते हैं और ऊपर हवा में उड़ने के लिए, आज कोशिश करेंगे कि उसका मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ। ये अच्छी इन्जॉयमेंट है, अगर फुकेत में आते हैं तो इस इन्जॉयमेंट को अचीव करें और इन्जॉय करें। ठीक, तो हम थोड़ी बार्गेनिंग करेंगे इससे, देखते हैं क्या प्राइस मिलती है, फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो बाकी भी मैं आपका इसका कॉरन बीच का ओवरव्यू दूंगा। यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि आप इधर आकर सिर्फ इंजॉय कर सकते हैं इसका, यानी कि पैराशूट का उड़ने का, इसके अलावा जेट स्की है। और ये जो है ना थोड़ी सी वो हैं, क्या बोलते हो अपना, एक्सपेंसिव है, ये कर सकते हैं। और एक बनाना टाइप का एक शिप बना होता है उस पर, जिस पर कम से कम 8-10 लोग बैठते हैं, तो वो भी है। तो बहरहाल उधर तो मैं नहीं जाऊंगा, बस ये इस पर है मेरा शौक बैठने का। तो देखेंगे, इनसे बार्गेनिंग करेंगे कि क्या प्राइस देते हैं, तो आप लोगों से फिर मैं शेयर करूंगा। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा है वैसे पैराशूट। Yes, gentlemen. How are you? How much? 1,300. 1,300. Why? Time जो है ना मेरी से डील हो गई है 1,200. तो 1,200 में मैं इसमें फ्लाई करूँगा। और जो ये बनते हैं तकरीबन 100 भी बनते हैं, तकरीबन 120 ख्याल। और जो पाकिस्तानी हैं वो तकरीबन कुछ बनते हैं 8,000। आप तो बहरहाल अभी तो मैं जा रहा हूँ पैराशूट पे, ओ देखो आगे वो खड़ी है तो फिलहाल। और साथ साथ में मैं आपको समंदर के व्यू भी दिखा रहा हूँ। देखो लोग कैसे इंजॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे हैं। फ्रेंड्स देख रहे हो कि ओरे बाप रे, अरे यार वाओ क्या सीन है यार। ये दिखा देता हूँ मैं आपको, देख रहे हैं मेरी बोट ये जा रही है।
बाप रे, इतना ऊपर और यार क्या जबरदस्त है। वैसे होगी और मुझे डर भी लग रहा है कि मेरा GoPro कहीं गिर ना जाए। देख रहे हो जबरदस्त सीन है यार, ऐसे लग रहा है जैसे हवा में मैं उड़ रहा हूँ, हवा में उड़ता हुआ इंसान। वाओ वाह क्या सीन है, वाओ ऐसे लग रहा है जैसे मैं लोगों के ऊपर से परिंदे की तरह मैं उड़ रहा हूँ। अरे वाओ दोस्तों, जैसा कि मैंने पैराशूट का जो था जो मुझे लेके उड़ गई थी तो उसका ट्रिप ख़त्म हुआ। यानी कि दो चीज़ें मैं आपको बता दूं, जहन में रख लेना। एक तो ये है कि इनसे बार्गनिंग करनी है, यानी कि अमाउंट के उसमें, ठीक है, इनको ज़्यादा नहीं देने हैं, 1200 यानी कि लेते हैं। इससे मैंने कोशिश की कम करने की, 1000 बात मैंने इनको कहा जो 7000 बनते हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। आखिरी 1200 रियाल इन्होंने लिया मुझसे और इन्होंने मुझे ट्रिप दिया। लेकिन 1200 पे देने के बाद दूसरी चीज़ इनसे ये वो करनी है, बार्गेन करनी है कि भाई कितनी देर में हवा में उड़ाओगे। ठीक है, मुझे कहा था 10 मिनट, लेकिन 10 मिनट नहीं, मेरा ख्याल है 5 से 7 मिनट, इन्होंने 5 मिनट भी नहीं उड़ाया। तो इसीलिए एक तो पैसे पे बार्गेन करनी है और दूसरा ये कि इनसे ये बार्गेन करनी है कि हवा में कितनी देर रखोगे। तो हवा में उनसे कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनसे टाइम लिया जाए उसको बोल। दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि जब ये एक्टिविटीज़ करते हैं ये पैराशूट के ऊपर जाने के लिए तो दिन में ही कर लिया करें। यानी कि दिन से मतलब ये कि 3-4 बजे तक, मैक्सिमम 4:30-5 बजे तक, लेकिन इससे लेट करेंगे तो अंधेरा हो जाता है, फिर आप सही तरीके से वीडियो या जो है ना तस्वीर का रिज़ल्ट जो है ना वो फिर ऐसा आएगा। जैसे देख रहे हैं अभी शाम हो गई है तो कुछ लोगों ने शायद बुक कराया होगा। और हाँ तो फ्रेंड्स, आज का मैं व्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ। कॉरन बीच का भी थोड़ा बहुत विज़िट किया और उसके बाद जो पैराशूट जिस पे आदमी को लेकर उड़ जाती है तो उसका भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। और व्हाट टू डू एक्टिविटीज़ है या नहीं है तो मेरे हिसाब से 50-50, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अच्छा है, अगर नहीं तो लीव इट, अगर करेंगे तो बेहतर है। तो मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़।